अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सारे लोग ठीक ठाक होंगे और ट्रैवलिंग चल रही होगी। आज मैं जिन मेहमान शख्सियत के साथ मौजूद हूँ यकीनन किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। कबीर अफरीदी साहब मौजूद हैं और आज ये नीलम वैली में आए हैं। तो सबसे पहले हमारे बिहाइंड द स्क्रीन भी बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं। मैं चाहूँगा एक दफ़ा भरपूर तालियाँ बजा के इनका वेलकम कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर आप यहाँ पर आए। और मारूफ़ साहब मौजूद हैं। मारूफ़ भाई की इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, आज इनसे गपशप भी होगी और कश्मीर स्पेशली नीलम वैली के बारे में ज़रूर जानेंगे। कबीर भाई पहले तो आपको खुश आमदेद, वेलकम जी आयानू। कैसा लगा कश्मीर, बहुत थोड़ा सा आपने देखा? वालेकुम सलाम अली भाई, शुक्रिया। बस अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक शॉर्ट इंट्री मैंने की है और जी करता है कि फिर आऊँगा और बहुत ज़्यादा दिन के लिए आऊँगा। तो पूरे कश्मीरियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और यह मैं प्रॉमिस करता हूँ जितने भी इधर ये इलाके हैं वो मैं ख़ुद अपने चैनल पे इंशाल्लाह दिखाऊंगा। टूरिस्ट व्यूअर्स जितने भी सियाहत के शौकीन हैं, कोशिश होगी कि मैक्सिमम तादाद में लोग यहाँ पर ले आऊँ। कश्मीरियों का जो दुनिया भर में मशहूर है, आप अपने अल्फाज को ज़रा प्रो ना खुश। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज हमारा प्लान था आगे जाने का, कम अज़ कम 60-70 किलोमीटर आगे जाने का। हम सिर्फ अली भाई के होटल और रेस्टोरेंट आईबेक्स कॉटेज होटल रेस्टोरेंट जो है इसमें हम सिर्फ चाय पीने के लिए ठहरे थे। फिर आपने इतनी मेहमान नवाजी की, इतना प्यार हमें दिया कि हम मजबूर हो गए कि हमने सारे जो हमारा प्लान था वो चेंज करके हम आपके साथ ठहरे। ये तो आवाज दिया। सेकंड थिंग ये मैं आया हूँ कश्मीर फर्स्ट टाइम, लेकिन कश्मीर मेरे लिए कोई नया इसलिए नहीं है कि मैं एबटाबाद में पढ़ता था, हॉस्टल में था, हमारे साथ कश्मीर के काफ़ी थे। फिर मैं इंग्लैंड चला गया तो इंग्लैंड में मेरे ख्याल में अंग्रेज़ कम है और कश्मीर के लोग ज़्यादा हैं। तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा थे, मेरे जितने दोस्त थे वो कश्मीर के थे। तो मेरे लिए यहाँ के लोगों से जितने मेहमान नवाज है और हॉस्पिटलिटी और जितना प्यार देते हैं, तो वो मुझे पहले भी पता था कि कश्मीर के लोग कितना प्यार करते हैं, न्यूकमर्स को, मेहमानों को किस तरह वेलकम करते हैं। और अभी आके इधर देखा तो मैं, हमारा जो जहन था ना वो बिल्कुल एक स्टैंप उस पर लग गया कि अगर जिसने, हाँ कश्मीर असल में ये नाम है भी बड़ा मीठा, सही है, और एक रिप्रेजेंट करता है खूबसूरती को। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आपके अल्फाज ही सारा कुछ बता रहे हैं और आपके फेस एक्सप्रेशन से पता चला कि आप खुश हैं। कबीर भाई मुझे यहाँ के मौसम का बताइए और मैं अपने देखने वालों को ज़रूर ये कहूँगा कि ये कोई जनवरी या दिसंबर का महीना नहीं चल रहा, जो मैंने जैकेट और कबीर भाई ने भी पहना हुआ, मारूफ भाई ने पहना हुआ। कैसे मुवाजना करते हैं आप यहाँ के वेदर को बाकी इलाकों के मौसम के साथ? देखिए दिन को हम जब आए थे तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम समझ रहे थे कि इलाका शायद गर्म है, लेकिन चाय पीते वक्त आपने हमें सिग्नल दिया कि रात को यहाँ पर आपको जैकेट निकालने होंगे, तब भी हमारे जहन में नहीं था और अब वाकई में पहने निकाल चुके हैं। तो इंशाल्लाह वेदर को देखा जाए, मेहमान नवाजी को देखा जाए, ये इलाके सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किए थे, एक्सप्लोर नहीं किए थे, इसलिए लोग कश्मीर को इस नज़र से देखते थे। कभी किसी वक्त में जब वज़ीरिस्तान के हालात हुआ करते थे तो लोग ये समझ रहे थे कि शायद कश्मीर भी इस तरह होंगे, यानी वार जोन या रेड जोन, लेकिन बंदा जब ख़ुद यहाँ पे आता है बहुत इम्प्रेस होता है लोगों को देख के, लोगों का रवैया देख के। अभी आपने ख़ुद भी पॉइंट उठाया मौसम को देख के, तो यही एक इलाके की ब्यूटी होती है। सयाह आते भी हैं तो मौसम की वजह से ही आते हैं, तो यही वो पॉइंट्स है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद हम कोशिश करेंगे, मैं चूँकि केपी टूरिज़्म का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, टूरिज़्म एंड कल्चर का, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अनकरीब मैं कश्मीर का टूरिज़्म एम्बेसडर भी बनूंगा। आवाम की तरफ से तो आप एम्बेसडर ऑलरेडी हैं। कबीर भाई एज ए टूरिज़्म एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे यहाँ के मकामी नौजवानों को जो टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, किन चीज़ों में वो बेहतरी ला करके यहाँ मज़ीद गुंजाइश पैदा कर सकते हैं? लोकल्स के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक तो टूरिज़्म चलता ही है पीस से, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर है, अल्हम्दुलिल्लाह। होटल्स ये जो बेसिक्स हैं ये होने चाहिए, लोकल्स को चाहिए, ज़मीनें तो इन्हीं की है ज़्यादातर जी, कैफ़े बनने चाहिए, रेस्टोरेंट्स बनने चाहिए, अच्छे होटल्स का होना ज़रूरी है, होटल्स में सहूलियात का होना ज़रूरी है कि बंदा फराहम करे। जिस तरह के ये इलाके तो ठंडे हैं ज़्यादातर, गर्म पानी का या हीटर का बंदोबस्त, फिर एवरेज बिलो एवरेज या इलीट के लिए वो सहूलियात होने चाहिए।
इधर के जितने भी ट्रेडिशनल आइटम हैं, चाहे वो फूड है या ख़ुद हैंडमेड आइटम है, वो प्रेजेंट करने चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए। यानी लोग नीलम वैली आए, नीलम वैली में क्या क्या है, फिर अगर वो पहुँचे वो सिर्फ पहाड़ तो नहीं देखेंगे, उनको एक्टिविटीज़ भी चाहिए। ट्रेडिशनल यहाँ के जो फोक म्यूज़िक है या कुछ इनके कल्चरल डांस है, इस तरह कुछ इवेंट्स रखने चाहिए ताकि लोगों को शुगल ज़्यादा से ज़्यादा मिले। फिर जो टूरिस्ट यहाँ आएंगे वो मेमोरीज़ ले जाके शेयर करेंगे, ये इनकी डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट है। एक बंदा आया, उसके तकरीबन जितने भी फैन फॉलोइंग है या सर्कल है वो सारे जान जाएंगे। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो उनके लिए ऐसे सीन क्रिएट करें ताकि लोग उसी के ज़रिए अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आएँ, और बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी टेंशन के वो यहाँ पर आया करें कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ तो सब फैसिलिटी है। क्योंकि सिटीज़ के लोग आपको पता है नाजुक से हैं, उनको सब कुछ यहाँ भी वही चाहिए जो सिटीज़ में है। तो सीनरीज़ के साथ फैसिलिटीज़ भी अगर हो, कुछ ज़रूरियात इस तरह है कि वो मुमकिन है गवर्नमेंट साइड से, वो भी हम यहीं पर याद करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल रोड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, फिर यहाँ पर नेटवर्क्स होने चाहिए, बिजली की बात हो, कश्मीर ख़ुद बिजली बना रहा है तो बिजली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर है, वो इश्यू नहीं होगा। बस यही बेसिक्स है, फिर यही इसी से टूरिज़्म आबाद होगा, फिर ज़्यादा आबाद होगा तो फिर वो लग्जरी एलीट लोग भी यानी फॉरेनर्स भी यहाँ पर आना शुरू। अमीर भाई आखिरी बात, मुझे लगता है सर्दी भी लग रही है तो हमें जाना होगा। नॉर्मल है, चले आखिरी बात मैं ज़रूर पूछूंगा। आजकल सोशल मीडिया का कोई भी सफ़ा इधर उधर पलटें तो कबीर अफरीदी, कबीर अफरीदी, कबीर अफरीदी। बेशुमार आपके फॉलोअर्स ऐसे हैं जो कश्मीरी हैं और दुनिया भर में मुकीम हैं। सर स्पेशली नीलम वैली के जो आपके फॉलोअर्स हैं, आप जहाँ भी गाड़ी रोकते हैं तो 4-5-6 जिनको पता लगता है तो वो आ ही रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? बहुत लविंग केयरिंग लोग हैं और हमने यहाँ पर बहुत पीस पाया, आपस में बहुत लोग माशाल्लाह इत्तेफाक से रह रहे हैं, तो एक खुशहाल इलाका है। ठीक है, ये इलाका अगर मैं सच बोलूँ अभी तक लोग यहाँ पर टूरिस्ट अगर ज़्यादा नहीं आए, वो वजह मेरे ख्याल में लोकल्स की सिर्फ ये गलती होगी कि इस इलाके को जितना एक्सप्लोर करना चाहिए उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अब नॉन फेसेस है, जिस तरह के हम आए हैं, कुछ और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वो भी इधर हम कोशिश करें, माइल करें, आएँ, और वो आएंगे भी इंशाल्लाह जो हमारे व्लॉग्स देखेंगे। तो नीलम वैली में कोई ऐसी खामी है नहीं कि हम वो पॉइंट आपको दिखाएं या बताएं कि ये ठीक करें, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जिस तरह मारूफ भाई ने कहा, होटल के कंडीशन अच्छे हैं, सफाई ठीक ठाक है, लोग मैनर वाइज अगर देखें बहुत ही परफेक्ट है। बस शुक्रगुजार हूँ लोगों का जो प्यार मोहब्बत ये हमें देते हैं। नीलम के लोगों को हम यही कहते हैं कि हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप लोग हमसे करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मोहब्बत आपकी, खुदा ये मोहब्बत सलामत रखे। आखिरी लाइन आप ये बोलें कि आप दोबारा कब आ रहे हैं नीलम वैली? इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहा हूँ, फर्स्ट ट्रिप ये हमारा इधर का है, ये सिर्फ कुटन तक महदूद रहा, कुटन तक महदूद रहा, फिर इंशाल्लाह आपके ताउन से ताऊबट तक जाएंगे, ताऊबट भी जाएंगे, अड़ंकेल भी जाएंगे, रती गली भी आ रहे हैं, दवारियां भी आ रहे हैं, लवात वाला भी आ रहे हैं, सारे नीलम वैली के लोग इनके इस्तकबाल के लिए तैयार रहे हैं। अली रिजवान ख्वाजा को फिलहाल ट्रैवलिंग डायरी से दीजिए इजाज़त और ट्रैवलिंग जारी रखिए जब तक है जहाँ। खुदा हाफिज़।